हे गाइस, मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए के सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट के अंतर्गत डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स या ठोसों में अपूर्णताएं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। सबसे पहले बात, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते किसे हैं? ऐसी दोषयुक्त संरचनाएं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष की बात कर रहे हैं, तो ऐसी दोषयुक्त संरचनाएं जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोषयुक्त संरचनाएं कहलाती है। जिनमें एनायन और कैटायन का जो अनुपात है, धनायन और ऋणायन का अनुपात है, वो मूलानुपाती सूत्र से डिफरेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को अपन कहेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोषयुक्त संरचनाएं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में जो फर्स्ट अपन डिफेक्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वह है धातु आधिक्य दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट। धातु आधिक्य क्या है? धातु आधिक्य, देखिए धातु बनाती है धनायन, तो क्रिस्टल जालक, जो क्रिस्टल लैटिस की आप बात कर रहे हैं, उसमें यदि धनायनों का आधिक्य हो तो इस प्रकार का धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, वह उत्पन्न होगा। धातु आधिक्य दोष धनायन का आधिक्य, एक्सेस ऑफ कैटायन यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग, तो धनायन का आधिक्य किस किस प्रकार से हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे हम डिफेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इस धातु आधिक्य दोष में हम पढ़ रहे हैं ऋणायनिक रिक्तिका, अनायनिक वैकेंसी। ऋणायनिक रिक्तिका यानी कि ऐसी रिक्तिका जिसका निर्माण ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण हुआ है, यानी क्रिस्टल जालक जो अपन यहाँ पे शो कर रहे हैं, इस क्रिस्टल जालक में यहाँ पे इसको आप ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे ए प्लस बी माइनस, ए बी प्रकार का यह क्रिस्टल जालक है जिसमें यहाँ पे ए प्लस है, ए धनायन है और बी ऋणायन है, परंतु यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे बी माइनस प्रेजेंट होना चाहिए था, परंतु बी माइनस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट नहीं है? बी माइनस ऋणायन यहाँ पे उपस्थित नहीं है, और ऋणायन के यहाँ पे उपस्थित नहीं होने के कारण यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई, रिक्तिका बन गई, जिसे हम क्या कहेंगे, ऋणायनिक ऋणायनिक रिक्तिका। क्या नाम देखिए इसको, ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायनिक रिक्तिका। अब देखिए इस क्रिस्टल लैटिस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की तुलना में नेगेटिव चार्ज कम हो चुका है, क्योंकि यहां पर से बी माइनस एब्सेंट है। तो अब इस क्रिस्टल लैटिस को न्यूट्रल रखने के लिए, उदासीन रखने के लिए, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रविष्ट हो जाता है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के प्रविष्ट जिस स्थान पर होता है, यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर आया है उसे कहते हैं एफ केंद्र। एफ केंद्र का जो एफ है वह वर्ड फेरबे से बना है, और फेरबे का अर्थ होता है रंग, यानी यही एफ केंद्र इस प्रकार के क्रिस्टल जालक के लिए या इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस के रंग के लिए उत्तरदायी होगा। रंग कहां से आएगा? जब यहां पे उचित आवृत्ति का प्रकाश इसे मिलेगा तो यह इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट होएगा, फलस्वरूप यहां पे कलर शो किया जाएगा। कलर की बात करें तो इसी एफ केंद्र के कारण जो LiCl है वह पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है, NaCl NaCl येलो कलर का होता है, एंड KCl वायलेट कलर का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl पीले रंग का दिखाई देता है किसके कारण, तो आप जवाब क्या होगा, F केंद्र के कारण। इसमें मूल रूप से कौन सा दोष उपस्थित है? मूल रूप से धातु आधिक्य दोष के अंतर्गत यहाँ पर ऋणायनिक रिक्ति का दोष उपस्थित है। तो ये अपनी फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट होती है धातु आधिक्य दोष के अंतर्गत ऋणायनिक रिक्ति का। और इसी ऋणायनिक रिक्ति का के आगे सेकंड हम बात करेंगे अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। देखिए अंतराकाशी स्थल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझ लेना है। मान लीजिए अवयवी कण इस प्रकार से अरेंज है, अवयवी कण कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं,
इन अवयवी कणों के मध्य जो स्थान में डार्क कर रहा हूं उसी स्थान को क्या कहते हैं? अंतराकाशी स्थल। तो इन्हें अंतराकाशी स्थलों में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण भी क्या होगा? धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे इस अतिरिक्त ए प्लस के कारण इस क्रिस्टल जालक को अगर अपन देखें तो इस क्रिस्टल जालक में पहले तो क्या था, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था, तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को न्यूट्रल कर दिया था, परंतु एक एक्सेस जब यहाँ पे धनायन आ जाता है तो इस धनायन के कारण क्रिस्टल जालक पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि संरचनाएं जो होती है वो उदासीन स्थिति होती है, वो सबसे स्टेबल होती है, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में आ जाता है और क्रिस्टल जालक उदासीन बना रहता है। तो यहाँ पे अंतराकाश में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है वहां पे कौन है? एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित है और इस धनायन के धनावेश को न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंतराकाश में प्रविष्ट हो चुका है। इसका एक एग्जांपल यहाँ अपन पढ़ते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO। जिंक ऑक्साइड श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, परंतु जब इसको हीट दी जाती है तो यह है, टूट जाता है और कैसा कलर शो करता है? येलो, येलो कलर शो करता है। देखिए टूटने पे क्या बनेगा? Zn2+ बनाएगा, साथ में बनेगा ऑक्साइड ऋणायन। ऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा और दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे रिलीज कर देगा। तो यहां पे इस Zn और जिंक ऑक्साइड में गर्म करने पर जो क्रिस्टल जालक है उसमें क्या उपस्थित होंगे? अतिरिक्त Zn2+ आयन उपस्थित होंगे, जिसके कारण यह पीले रंग का दिखाई देता है। तो मूल रूप से यहाँ पे कौन सा दोष उपस्थित होगा, कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट होगा कि अंतराकाशीय स्थलों में एक अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह पीले रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे अपना जो धातु आधिक्य दोष है वह कंप्लीट हो जाता है। तो धातु आधिक्य दोष में जो सेकंड कैटेगरी देखी है आपने वह है धनायन की उपस्थिति, अतिरिक्त धनायन के अंतराकाशीय स्थलों में उपस्थिति। सेकेंड कैटेगरी है हमारी धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता कब उत्पन्न होगी? जब धनायन की कमी होगी, और धनायन की कमी कब होगी? जब ऋणायन का आधिक्य होगा। तो यहाँ पे ऋणायन का आधिक्य एक्सेस ऑफ एनायन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसमें पहली कैटेगरी दी है हमने धनायनिक रिक्तिका। क्या होती है धनायनिक रिक्तिका? इस क्रिस्टल लैटिस को देखिए, यहाँ पे आपको सभी जगह पे धनायन और ऋणायन जमे हुए दिखेंगे, A+ B-, A+ B-, परंतु यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन उपस्थित होना चाहिए था? A+ प्रेजेंट होना चाहिए था, परंतु A+ यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो इस रिक्त स्थान को क्या कहेंगे? धनायनिक रिक्तिका, धनायनिक रिक्तिका, कैटायनिक वैकेंसी। अब देखिए इस क्रिस्टल लैटिस पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान होता तो ये न्यूट्रल होता, परंतु यहां पर से एक धनायन अनुपस्थित है, इसलिए ऋणायन अधिक है, और ऋणायन की अधिकता के कारण यहाँ पे ऋणावेश बढ़ चुका है। तो क्रिस्टल जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए क्या होगा? यहाँ पे एक धनायन अनुपस्थित है, इसलिए एक धनावेश भी यहाँ पे कम हो चुका है। उस धनावेश की पूर्ति के लिए एक अन्य कोई भी धनायन, मान लीजिए ये वाला धनायन, क्या करेगा? अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करेगा। A+ से क्या हो जाएगा? A2+ हो जाएगा, और ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के फल स्वरूप क्या होगा? जो क्रिस्टल जालक है उसकी उदासीनता बनी रहेगी, वह न्यूट्रल बना रहेगा। तो यहाँ पे किसके कारण? ऋणायन के आधिक्य के कारण यह दोष उत्पन्न हुआ है। दोष का प्रकार क्या है? धनायन रिक्तिका। इसी के अंतर्गत एक एग्जाम्पल दिया गया है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड को फूल्स गोल्ड बोलते हैं, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना कहा जाता है FeS को। क्यों कहा जाता है? देखिए FeS में Fe किस फॉर्म में उपस्थित है? Fe2+ में उपस्थित है। अब मान लीजिए एक Fe2+ क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला जाता है, अगर एक Fe2+ बाहर चला गया तो साथ में अपने क्या ले गया? 2+ चार्ज भी ले गया। 2+ चार्ज ले गया तो जो अपना क्रिस्टल जालक है उस पे दो धनावेश की क्या आ चुकी है? कमी आ चुकी है। तो दो धनावेश की कमी आ चुकी है, तो अब क्या होगा? जो दो अन्य Fe2+ है ये क्या करेंगे? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करेंगे, यानी Fe3+ से Fe3+ में ऑक्सीडाइज होंगे,
पहले कितने थे, 2 प्लस, यानी 2 प्लस और 2 प्लस कितना, 4 प्लस, ठीक है। एक 2 प्लस बाहर चला गया, तो अब उस 2 प्लस जो बाहर चला गया है उसकी आपूर्ति के लिए इन Fe2 प्लस ने क्या किया, Fe2 प्लस में ये ऑक्सीडाइज हो गए, और इनके ऑक्सीडाइज होने के कारण कितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज यहां पे रेज हो जाता है, यानी क्रिस्टल जालक न्यूट्रल बना रहता है। क्रिस्टल जालक क्या बना रहेगा, न्यूट्रल बना रहेगा। अब यहां पे देखिए Fe2 प्लस था, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसा होने से, ऐसा करने से Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस फिर क्या होगा, वापस Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह कन्वर्जन चलता रहता है, और इसी कन्वर्जन के कारण यहां पर एक चमक उत्पन्न होती है, शाइन उत्पन्न होती है, और इसी चमक के कारण जो FeS है वह चमक किसके समान है, सोने के समान है, गोल्ड के समान है, और इसी चमक के कारण FeS को फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, FeS को। धातु न्यूनता दोष के अंतर्गत जो सेकंड कैटेगरी है हमारी, वह है अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। अंतराकाशीय स्थल देखिए, ये क्रिस्टल लैटिस में शो किया गया है, यहाँ पे जो अंतराकाशीय स्थल है वहां पे एक अतिरिक्त ऋणायन ए प्लस यहाँ पे शो किया गया। वैसे तो एक बात बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, ये एक रेयर डिफेक्ट है, ऑब्जर्व मोस्टली नहीं होता है। क्यों, क्योंकि धनायन का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है, वह अंतराकाश में समा सकता है, परंतु ऋणायन का आकार बड़ा होता है और उसका अंतराकाश में आना संभव नहीं होता है। परंतु फिर भी आइडियली यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जब एक अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित होगा तो क्रिस्टल लैटिस पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो उस पॉजिटिव के लिए क्या करेगा, एक कोई भी धनायन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो ये हमारे थे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो अपन ने यहाँ पे चार डिस्कस किए हैं। चारों में ही हम ये पाते हैं कि धनायन और ऋणायन का अनुपात है वह उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है अशुद्धता दोष, जिसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या है यह इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक टर्म पता होने चाहिए, डोपिंग। कोई भी शुद्ध पदार्थ है उसमें यदि किसी अन्य पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो इसी मिलाने की प्रोसेस को हिंदी में अपमिश्रण बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डोपिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का हमारे पास में ठोस सोडियम क्लोराइड है और इसमें अपन डोपिंग कर रहे हैं स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड जब आप इसमें डोपित करेंगे तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड से क्या प्राप्त होगा, Sr2+। जब Sr2+ इस क्रिस्टल जालक में प्रविष्ट होगा तो Sr2+ के पास में 2+ का आवेश है, तो Sr2+ को यहाँ पे प्रविष्ट होने के लिए 2+ को, 2+ को यहाँ से बाहर भी निकालना होगा। तो 2+ कितने सोडियम धनायनों पे 2+ होगा, एक और दो, दो सोडियम धनायनों पर 2+ उपस्थित होगा। यानी जब एक Sr2+ इस क्रिस्टल जालक में प्रविष्ट होगा तो 2 Na+ यहाँ से बाहर निकलेंगे। मान लीजिए एक ये Na+ बाहर निकल रहा है, दूसरा ये वाला निकल रहा है, और यहाँ पे आके कौन बैठ गया, Sr2+। अब एक Na+ के स्थान पे तो कौन आ गया, Sr2+ आ गया, परंतु एक Na+ का स्थान यहाँ पे रिक्त रह जाता है, यानी कि यहाँ पे धनायनिक रिक्तिका उपस्थित रहती है। इसी प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। तो यहाँ पे अपने डिफेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, गाइस, फ्रेंड्स, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।